तो बेटा अभी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3, क्लास 9। बहुत आराम से समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो 8 क्लास में भी था इसके बारे में, है ना? ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले समझो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। मतलब बेटा जो हम मैथ्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एक्चुअली क्या ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, इसका क्या मतलब होता है? जिसके अंदर हम एंगल्स पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं, है ना, अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। तो बेटा किसी नंबर की क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को जानने के लिए बेटा हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे कि 2D प्लेन होता है, 2D मतलब समझते हो, जैसे आपने कभी वाली वीडियो गेम खेली है, मारियो खेली है, स्नेक वाला गेम खेला कभी फ़ोन में? तो वो कैसी गेम होती है बेटा, सिर्फ ऊपर से दिखाई देती है ना कि कुछ चल रहा है, कुछ मूव हो रहा है, लेकिन आप उसको आगे से पीछे से देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो क्या है, वो एक 2D इमेज है। आप कभी पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ पर दो तरह की टिकट्स होती हैं, एक होती है 2D नॉर्मल और एक होती है 3D मूवी, जिसके अंदर पहनने को चश्मा ही मिलता है। तो 3D का क्या मतलब है, उसके अंदर आप चीज़ों को और ज़्यादा क्लोज महसूस कर सकते हो और उनके अंदर वो डायमेंशंस भी देख सकते हो जो कि सीधी स्क्रीन पर नज़र नहीं आता। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ 2D की। किसकी? 2D, टू डायमेंशन नॉर्मल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो बेटा हमको यहाँ पर सिर्फ दो ही साइडें नज़र आती हैं, एक साइड होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल साइन जो साइड होती है उसे हम एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जो हमारी वर्टिकल साइड है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वाई बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस जगह को हम ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि यहाँ से ही इस पॉइंट से ये निकले हैं। ठीक है, अच्छा बेटा अब देखो लेफ्ट हैंड की तरफ जब हम जाते हैं तो ये एक्स इस ओरिजिन तक से, इस ओरिजिन से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं है ना, तो ये नेगेटिव होती है, वैल्यू क्या हो जाती है एक्स की, नेगेटिव होती चली जाती है। जैसे मानो कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है तो सेम अपोजिट यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 होगी, और यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर क्या होगी, -2 होगी। ठीक, ये केस वाई के डिफेंस में कैसा है कि अपर मतलब ओरिजिन से ऊपर क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है सारी, क्या होती हैं, और ओरिजिन से नीचे सारी नेगेटिव वैल्यू होती है वाई की। तो जैसे यहाँ पर अगर वाई प्लस है तो नीचे क्या होगा, -1, अगर यहाँ प्लस का 2 है तो ठीक अपोजिट में आ गया होगा -2। ठीक है बेटा, अब किसी भी पॉइंट की, यहाँ पर मैं मानता हूँ कोई पॉइंट ए रखा हुआ है यहाँ पर, अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक सेक्शन बन गया, एक ये सेक्शन बन गया, एक ये चार सेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, उसे क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, उसे क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बेटा अब किसी भी नंबर की पोजीशन, किसी भी पॉइंट की कोई भी पोजीशन होगी, मान लो कोई मेरा पॉइंट है ए, वो यहाँ पर रखा हुआ है एक्स और वाई के बीच में रखा हुआ है, तो आपसे पूछेंगे बताओ बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब इसका एड्रेस क्या है। तो जो एड्रेस बताने का तरीका होता है ना ज्योमेट्री में बेटा, वो बताया जाता है हमेशा पहले एक्स और फिर वाई की पोजीशन। अगर एक्स और वाई दोनों की पोजीशन हमें बतानी पड़ती है और दोनों मिलकर किसी पॉइंट का सही कोऑर्डिनेट, एग्जैक्ट पोजीशन हमें बता पाते हैं। देखो जैसे एक ग्राफ बना लेते हैं, तो हमेशा याद ना एक्स पहले आता है और फिर वाई बाद में आता है। एक ग्राफ ले लेते हैं, 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2। और बेटा जो ओरिजिन होता है ये क्या होता है, ये होता है बेटा 0, 0, मतलब इस सेंटर पॉइंट पे, इस ओरिजिन पर, ओरिजिन पर बेटा एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, बस इतनी सी बात को याद रखना। ठीक है, अब जरा देखो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट रखा हुआ है ए, बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसकी पोजीशन क्या है। तो एक बार सबसे पहले आपको पता है जिसके भी कोऑर्डिनेट बताने होते हैं पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू पता लगा लो, बस काम हो गया। वैल्यू से मेरा मतलब है वो पोजीशन में कहाँ पर देखा है। तो देखो एक्स कहाँ पर है, एक्स ये रहा, देखो एक्स के कहाँ पर है, देखो 2 के पास है ना,
तो एक्स तो हो गया टू, और देखो इसका वाई कहाँ पर है, अब वाई ये रहा, अब वाई कहाँ पर जा रहा है देखो, तो इसका आंसर हो गया टू टू। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, प्लस टू मतलब प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब कोई पॉइंट रखा हुआ है देखो, ये देखो बी, इसके बताओ, तो आप क्या बोलोगे भैया, ये देखो एक्स पर तो आ रहा है माइनस टू और वाई पर क्या आ रहा है माइनस टू, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स और वाई माइनस टू, वाई माइनस टू। अब अगला देखो, मैं यहाँ पर रख देता हूँ कोई पॉइंट सी, बताओ बेटा, तो आप बोलोगे बेटा इसके एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो अरे टू एक्स और वाई, तो एक्स क्या हो गया टू और वाई क्या है माइनस का टू, देखा एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। अब मैंने कोई पॉइंट रख दिया बेटा यहाँ पर डी, अब आप बताओ तो इसका एक्स क्या है माइनस टू और वाई क्या है टू, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ जरा, जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट वो कौन से क्वाड्रेंट में है, बोलो किस क्वाड्रेंट में है वो, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको पूछेगा ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 और क्वेश्चन देखो नंबर वन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। देखो बेटा जो लाइन लगी हुई है हॉरिजॉन्टल वो क्या है एक्स, और जो है वर्टिकल वो क्या है वाई, बात खत्म, ये इसका जवाब था। अगला क्या बोल रहे हैं, ईच पार्ट का नाम बताओ जो दो लाइन की वजह से बन गई, तो क्वाड्रेंट्स बन गए, तो एक बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक बन गया सेकंड क्वाड्रेंट, एक बन गया थर्ड क्वाड्रेंट, एक बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो तो वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स कैसा है नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में तो भैया दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और इस वाले में देखें तो एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव है, ठीक है, बस यही बताना था। और ये बोल रहा है कि नेम द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट, उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पर दोनों लाइनें टकराती हैं, तो उस पॉइंट का नाम ओरिजिन है, क्या है बेटा ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जीरो जीरो, इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात। अगला देखो, कह रहा है सी फिगर 3.4 एंड राइट दी आंसर्स, कह रहा है फिगर देखो 3.4 और हमें जवाब दो, तो बेटा देखो 3.4 ये रही फिगर, इसके अंदर ही हमसे जवाब मांग रहा है, पहला क्वेश्चन है कि बताओ बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, फिर सी के क्या हैं, और फिर बताओ -3 -5 पॉइंट कहाँ पर है, क्या कौन सा है, ठीक है भाई बी के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं, तो बी कहाँ पर है ये रहा, चेक करो सबसे पहले कोऑर्डिनेट पता लगाने का तरीका क्या होता है, पहले एक्स और फिर वाई, तो एक्स क्या है इसका -5, तो लिख दिया -5 कॉमा, और वाई क्या है इसका प्लस का 2, तो 2, ये रहा भाई बी के क्वाड्रेंट। अगला क्वेश्चन सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये रहा जी सी, तो एक्स और वाई, एक्स देखा तो क्या है इसका पॉजिटिव 5 और वाई क्या है इसका -5, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है -3 -5 किसके कोऑर्डिनेट हैं, -3 और -5, जिसका मतलब x भी माइनस और y भी माइनस, तो देखो माइनस का x ये रहा 3 और माइनस का y 3 ये रहा, तो ये तो जी h के कोऑर्डिनेट हैं, ये आंसर है। अगला देखो, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4, 2 और -4 कौन है, मतलब x प्लस 2 और y माइनस 4, तो देखो जी x प्लस 2 कहाँ पर है, ये रहा जी x प्लस का 2 और माइनस का 4 कहां पर है भाई, ये रहा, तो ये कौन सा पॉइंट बना, पॉइंट G, ये इसका